हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की जो फिजिक्स में यूज होता है। अक्सर आपको आ जाएगा साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, इस तरह के फॉर्मूला आएंगे। तो जैसे कि साइन 15 डिग्री है तो टेबल में आप साइन 0 का वैल्यू देखते हैं, 30 का वैल्यू देखते हैं, साइन 45, साइन 60 है ना, साइन 90, साइन 120, इस तरह के वैल्यू आपको टेबल में जनरली मिलता है। और इस तरह के जो वैल्यूज है वो टेबल में नहीं मिलता है। तो ऐसे को आप ऐसे फार्मूला को है ना, इस तरह के जो भी न्यूमेरिकल आएगा तो उसको आप फार्मूला के हेल्प से रिजॉल्व करेंगे। जैसे कि एक फार्मूला है आपके पास यहाँ पे, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन, इस तरह के इसको आपको फार्मूला मिलेगा जिसको टीचर बोलते हैं कि आप याद कर जाओ। तो याद तो हम इसको कर जाएंगे पर इसका यूज कहाँ करेंगे। जैसे कि टेन ए प्लस बी है तो टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टू टेन बी, ये फार्मूला है। तो मैं इस फार्मूला को यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले इसको सजा देते हैं। देखिए इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 15 को, चूँकि 45 में से अगर 30 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। तो ये हो गया 15 डिग्री को ऐसे लिख दिया और यहाँ पर साइन है तो यहाँ भी साइन है, कोई डाउट नहीं। तो फिर फार्मूला देखो, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इजिकल टू, क्या फार्मूला आप देख रहे हैं, साइन ए माइनस बी तो साइन ए इंटू कॉस बी, और फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, फार्मूला ऐसे ही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ये ए है और ये क्या है बच्चों, बी है। तो लिखेंगे साइन ए 45 डिग्री इंटू कॉस बी 30 डिग्री माइनस कॉस ए मतलब 45 डिग्री इंटू साइन साइन बी 30 डिग्री। अब इसको आपको सोल्व करना है, सोल्व करना काफ़ी आसान है। इसमें ये सभी वैल्यू आप जानते हैं कि इसका वैल्यू जानते हैं 1/√2, इसका वैल्यू जानते हैं √3/2, इसका वैल्यू आप जानते हैं −1/√2, और इसका भी वैल्यू जानते हैं 1/2। चूँकि इन्हीं सभी का वैल्यू आपको मालूम रहता है, इन्हीं सभी का वैल्यू मालूम रहता है, इसलिए ये वाला सब वैल्यू है मालूम रहता है, याद करते हैं बच्चे। तो अब इसमें क्या है, √2 √2 2 2, तो कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन 15 डिग्री इजिकल टू 1/√2 √3 और फिर −1। ओके, तो इसको आप सोल्व कर दिए तो मिल गया क्या, साइन 15 डिग्री इजिकल टू √3 −1/√2 √2। ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर 15 डिग्री बहुत जगह आपको पूछते रहते हैं, क्वेश्चन में आता रहता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करके मैं आपको समझाता हूँ कि टेन 75 डिग्री, तो देखिए भाई टेन के लिए भी एक फार्मूला यहाँ पर है, टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाता, क्लियर है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस टेन 75 तो हमको ये मालूम तो है नहीं टेन 75 का वैल्यू, तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ 1075 को 45 प्लस 30 डिग्री तो सही है। अब इसको हम ब्रेक करते हैं तो क्या लिखा मैंने, कि लिखो भाई 1045 प्लस 1030 और यहाँ पर लिखिए क्या 1 माइनस 1045 इंटू 1030। अब इसका वैल्यू आप लिखेंगे तो 1045 का वैल्यू 1 होता है, क्या होता है बच्चों 1,
और टेन थर्टी का वैल्यू 1/√3 होता है। यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 1, और यहाँ पर हो गया 1/√3। अब इसको आप सोल्व करेंगे, इसको मैथ हो गया बेसिक मैथ, टेन 75 इजिकल टू √3+1 डिवाइडेड बटे √3। फिर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों √3-1 और डिवाइडेड बटे √3, तो कैंसिल हो जाएगा। तो टेन 75 degree √3+1 और डिवाइडेड बटे √3 फिर -1 ऐसा। टेन 75 का वैल्यू है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ऐसे जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि ये मैथ में ही नहीं ये फिजिक्स में ज़्यादा यूज होता है। साइन 15 degree का वैल्यू, टेन 75 degree का वैल्यू, तो हम लोग कैलकुलेट करने को सीख जाएंगे और किसी भी तरह का क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।